Morning students, BSc part first year, unit third and paper third online classes में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे विषय के बारे में, ठीक है। तो हमने कल की क्लास के अंदर मैच्योर स्त्रीधानि के बारे में पढ़ा था और हमने बीजानुद्भिद पादप के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बोला था हम बीजानुद्भिद पादप पढ़ रहे हैं, इसमें जो बीजाणुओं के निर्माण की जो अवस्थाएं होती है, ठीक है, उसका डायग्राम हम कल की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, मैंने ये बोला था। तो आज हम इसमें रिक्षिया में बीजाणु के निर्माण की जो अवस्थाएं है इसको देखेंगे, फिर उसके बाद हम बीजाणु जनन के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से स्पोरोमोनियम का परिवर्तन होता है। तो इसमें हम डायग्राम देखते हैं। Thank you.
बीजाणु के निर्माण की अवस्थाएं हैं ये। डेवलपमेंट ऑफ स्पोर स्टेजेस इन रिक्शिया, ये डायग्राम है, इसको बना लीजिए। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बीजाणु जनन के बारे में। बना लिया डायग्राम। नेक्स्ट है बीजाणु जनन, ला लीजिए टॉपिक बीजाणु जनन। इसके अंदर हमारे पास स्पोरोगोनियम बनता है, तो स्पोरोगोनियम की स्ट्रक्चर इसमें हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बीजाणु अंतःस्थीसियम में उपस्थित होती है,
वह अर्धसूत्री विभाजन द्वारा वह अर्धसूत्री विभाजन द्वारा चार अगुणित बीजाणुओं का निर्माण करती है। चार अगुणित बीजाणुओं का निर्माण करती है। रिक्षिया में n बराबर 8 होते हैं। रिक्षिया में n बराबर 8 होते हैं। रिक्षिया में बीजाणु एक दूसरे के सम्मुख उपस्थित रहते हैं। एक दूसरे के सम्मुख उपस्थित रहते हैं। परिपक्व होने पर मात्र कोशिका की भित्ति में परिपक्व होने पर मात्र कोशिका की भित्ति में आबद्ध रहते हैं। उसके पश्चात यह स्वतंत्र होने के बाद बीजाणु चतुष्क अवस्था में परिबद्ध रहता है। बीजाणु चतुष्क अवस्था में परिबद्ध रहता है। नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए, परिपक्व स्पोरोगोनियम की संरचना। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे परिपक्व स्पोरोगोनियम की स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, हमने देखा था फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से हमारे पास एक स्पोर की स्ट्रक्चर बनी। ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स रहते हैं उसको हम बोलते हैं स्पोरोगोनियम। ठीक है, तो लिखे इसमें रिक्षिया में एक सरल प्रकार का बीजाणु उद्भिद पाया जाता है। सरल प्रकार का बीजाणु उद्भिद पाया जाता है। इसमें फुट व सीटा अनुपस्थित होता है। तथा स्पोरोगोनियम का मुख्य हिस्सा गोलाकार रूप में स्थित होता है। जो गोपा या क्लेट्रा के द्वारा आबद्ध रहता है। और यह परिपक्व बीजाणु को घेरे रहती है। स्पोरोगोनियम का स्फुटन परिपक्व बीजाणु थैलस में एक साल तक रहता है। थैलस कोशिकाओं के श्रय होने पर या हासित होने पर बीजाणु स्वतंत्र हो जाते हैं।
बिखर जाते हैं और बाहर की ओर बिखर जाते हैं। ठीक है, अब हम इसके स्पोरोफोनियम का जो परिपक्व होता है रिक्शिया उसका डायग्राम देखेंगे। डायग्राम हम बनाते चलेंगे इसको हैंड टू हैंड।
प्लूटोनियम का डायग्राम। नीचे स्पेस नहीं है इसलिए यहां रुकती हूं। मैच्योर स्पोरोगोनियम इन विक्षिया, इसको आपको नीचे लिखना है, साइड में मत लिखना नाम, ठीक है, इसको लिखो। फिर हम जो यंग गैमेटोफाइटिक स्पोर होता है उसके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। बना लिया डायग्राम। नेक्स्ट आ लीजिए टॉपिक तरुण युग्म उद्भिद बीजाणु की संरचना। या तो सीधे ही लिख लो बीजाणु की संरचना। पहला बाह्य छोर, दूसरा मध्य
यह बीजाणु के बाहर स्थित होता है और मोटा क्यूटिनीकृत होता है होती है एंडोस्पोरियम या अंतःचोल।